चींटियाँ एक सामाजिक प्राणी होती हैं जो कि कॉलोनी में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चींटियाँ हमेशा एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? चलिए बताते हैं इसके पीछे क्या राज है। कॉलोनियों में पाई जाने वाली चींटियों में रानी चींटी, नर चींटी और बहुत सारी मादा चींटियाँ होती हैं। नर चींटियों के पंख होते हैं जबकि मादा चींटियों के पंख नहीं होते हैं। रानी चींटी के लाखों बच्चे होते हैं। दुनिया भर में 12,000 से भी ज्यादा चींटियों की प्रजातियां पाई जाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में चींटियां मौजूद हैं। लेकिन ज्यादातर हम लोग सिर्फ लाल और काली चींटियों के बारे में ही जानते हैं। चींटियां दिखने में भले ही छोटी होती हैं, लेकिन अपने आकार के हिसाब से ये दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में गिनी जाती हैं। इनके अंदर एक ऐसी खासियत होती है कि ये अपने वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। चींटियों के कान नहीं होते हैं, वो जमीन के कंपन से ही शोर को महसूस करती हैं। चींटियों के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है, क्योंकि चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियां ब्राजील में स्थित अमेजन के जंगलों में पाई जाती हैं। इन्हें बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। ये चींटियां इतना तेज डंक मारती हैं जैसे लगता है कि बंदूक की गोली शरीर के अंदर घुस गई हो। दुनिया में कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो कुछ दिन या कुछ घंटे ही जीवित रहते हैं, लेकिन एक विशेष प्रजाति पोगोनोमी मैक्स ओही की रानी चींटी 30 सालों तक जिंदा रहती है। चींटियों की आंखें सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, उनसे वो देख नहीं सकती। जब ये चींटियां खाने की खोज में बाहर जाती हैं, तो उनकी रानी चींटी रास्ते में फेरोमोन्स नाम का एक रसायन छोड़ते हुए जाती हैं, जिसकी गंध को सूंघते हुए बाकी चींटियां भी उसके पीछे चलती जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाती है। और यही कारण है कि चींटियां एक लाइन में चलती हैं।